अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, यहाँ पे अभी अभी आरआरबी ने एक नोटिस रिलीज किया है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पहली हाई पावर कमेटी का जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी बता दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड गाइस, यहाँ पे अब आपकी एग्जाम डेट्स भी बता दी गई है और सारा डिसीजन यहाँ पे आ गया है कि कैसे क्या रिजल्ट से रिलेटेड। तो चलिए फटाफट से पूरी जो रिपोर्ट है उसकी समरी यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो आपका 20 टाइम्स रिजल्ट है वो यहाँ पे आएगा, यानी कि 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट्स को यहाँ पे चूज किया जाएगा। सबसे पहली यही लिखा हुआ है कि 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड विद पे लेवल वाइज फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी, यानी कि जो आपका सेकंड सीबीटी होगा एनटीपीसी के लिए उसमें 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स को चूज किया जाएगा। ये वाली सबसे पहली मांग थी और ये वाली मांग जो है यहाँ पे फुलफिल की गई है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे जिनका रिजल्ट में नाम है वो तो वैसे ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है दी कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड, यानी कि उन लोगों को तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो एडिशनल कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसको भी यहाँ पे लेवल वाइज जो लिस्ट है उसको यहाँ पे बता दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब गाइज, यहाँ पे ये भी बताया है कि जो आरआरबी है वो सेकंड स्टेज जो सीबीटी होगा वो पे लेवल के अकॉर्डिंग लेगा और ये किया जाएगा कि आपका सिंगल शिफ्ट के अंदर ही यहाँ पे जो पूरा आपका एग्जाम है उसे कंडक्ट कराए जाने की कोशिश की जाएगी, ताकि फिर नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे कोई रोल ही ना हो, उसकी वजह से फिर आगे कोई जाकर के प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जहां पर भी सिंगल शिफ्ट में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा वहां पे ये लोग क्या करेंगे, आपका जो नॉर्मलाइजेशन है उसको यहाँ पे करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे अब काफी सारी अच्छी चीजें हुई हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी का भी जो एग्जाम है यहाँ पे वो सिंगल स्टेज के अंदर कंडक्ट कराए जाने की बात की गई थी, तो वो भी यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देयर विल बी नो सेकंड स्टेज सीबीटी इन ग्रुप डी एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई सीबीटी 2 होगा ग्रुप डी के अंदर, तो वो भी यहाँ पे हटा दिया गया। आपकी जो दूसरी मांग थी वो भी पूरी कर दी गई है। अब बात करेंगे गाइज यहाँ पे आपकी कुछ एग्जाम्स की, आगे देख लेते हैं कि आपकी जो एग्जाम की डेट है उनकी बात यहाँ पे करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो रिवाइज रिजल्ट है आपका वो यहाँ पे अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा। मैंने वीडियो बना करके ये कहा था कि जो आपका रिजल्ट है वो आपको अप्रैल के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर देखने को मिलेगा, तो काफी सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ पे रेलवे ने भी बता दिया है कि जो आपका रिजल्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर आप यहाँ पे आ सकता है, आ जाएगा। और अब नेक्स्ट बात यहाँ पे करेंगे कि सेकंड स्टेज जो सीबीटी रहेगा आपका जो पे लेवल 6 का रहेगा वो यहाँ पे मई के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। तो मई के अंदर आपका जो पे लेवल 6 का जो सेकंड स्टेज सीबीटी है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अब रही बात की जो अदर पे लेवल्स का सीबीटी 2 था वो इसके बाद थोड़े थोड़े गैप के बाद आपका कंडक्ट कराया जाएगा, उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग यहाँ पे नहीं दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका ग्रुप डी का मतलब जो सेकंड स्टेज सीबीटी है यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्टिंग ऑफ सीबीटी फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड स्टेज सीबीटी। ये बात की जा रही है गाइस यहाँ पे ग्रुप डी की। अब आपका जैसे सेकंड स्टेज सीबीटी यहाँ पे हटा दिया गया है ग्रुप डी एग्जाम से, तो अब आपका जो सीबीटी 1 होगा उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस किए जाएंगे यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंगली अब आपका जो न्यू पैटर्न वगैरह है या कुछ भी चेंजेस किए जाते हैं वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। क्लियरली लिखा है दिस इन्वॉल्व्स द मोबिलाइजेशन ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स टू कंडक्ट सीबीटी फॉर लेवल 1 विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट, क्योंकि अब पर शिफ्ट के अंदर भी बच्चे ज्यादा होंगे। एफर्ट्स विल बी मेड टू हैव द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ECA ऑन बोर्ड टू कंडक्ट द सीबीटी ऑफ लेवल 1 एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये बहुत जितना जल्दी हो सकता है ये कराने की कोशिश करेंगे। और गाइज, यहाँ पे जो आपका सीबीटी 1 रहेगा ग्रुप डी का वो जुलाई से कंडक्ट कराया जाएगा, टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन जुलाई। आगे फिर जो भी अपडेट होगी वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। अभी आपको यहाँ पे डेट मिल चुकी है मई के अंदर आपका सीबीटी 2 होगा, रिजल्ट भी आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा रिवाइज रिजल्ट। तो जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका रिजल्ट आया था और नहीं हुआ था क्वालिफाई, उनको लगता है कि क्वालिफाई हो सकता है, तो वो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि मई के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। और रही बात ग्रुप डी एग्जाम की, तो उन लोगों का एग्जाम यहाँ पे जुलाई के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। सबकी एग्जाम डेट पता चल गई है, रिपोर्ट आ चुकी है, जो कि पहले ही हमने बता दिया था कि आपका जो रिजल्ट है रिवाइज रिजल्ट आएगा, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब आपको सिर्फ अपनी स्टडीज के ऊपर ध्यान देना है।
साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए गाइज आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइज PMYT कोड जितनी भी कैटेगरी है अनअकैडमी ऐप के ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CEPF, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT JEE नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए गाइज आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।